तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास है ये जनरेटर, और अगर इस जनरेटर की पावर की बात करें तो ये इस जनरेटर का पावर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 HP का लिखा हुआ है इस कंपनी के द्वारा। लेकिन गाइस अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ कि ये जो कंपनी देते हैं या शॉपकीपर या जो भी दुकानदार हमें बेचते हैं वो कह के बेचते हैं कि बहुत ज़्यादा पावर है गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा लोड उठा लेगा, लेकिन क्या रियल में ये उतना लोड उठा पाता है या फिर हमारे साथ धोखाधड़ी होता है। इसलिए कोई भी अगर खरीदते तो वो लेने के पहले यानी कि खरीदने के पहले वो देखते नहीं, इसका पावर चेक करके लेते नहीं। लेकिन गाइस आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसका पावर टेस्ट करके दिखाऊंगा कि आखिर ये कितना लोड उठा पाएगा 3 HP का जनरेटर। और ये अगर 3 HP का जनरेटर है तो ये तो क्या ये 3 HP के बराबर लोड उठाने के काबिल भी है, या फिर हमारे साथ कंपनी के द्वारा और सेल्समैन के द्वारा हमारे साथ धोखाधड़ी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से ये बटन है, ये पावर ऑन बटन है, और ये जब जले ये जब स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ ग्रीन बटन जलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे इसका इस साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चौक है, ये फ्यूल का ऑन ऑफ वाला है, और यहाँ से ये स्टार्ट होता है। इसको स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ऑन कर लेते हैं, उसके बाद एक दो नहीं हुआ चौक लेके स्टार्ट करना पड़ता है इसको गाइस। एक दो ऑन हो चुका और गाइस ये ऑन हो गया, उसके बाद इसके ये चौक को इस तरह से कुछ बीच में करना पड़ता है, उसके बाद ये जनरेटर चालू हो जाता है। हो सकता है आपका आवाज़ आने में मेरा आवाज़ आपको दिक्कत होता होगा क्योंकि जनरेटर का साउंड बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों हमारे पास साथ ही साथ बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सामने से दिखाओ यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हैलोजन ट्यूब है जो कि 1000 वाट का है, और साथ ही साथ ये बॉस का ये ड्रिलर है जो 450 वाट का है, और ये हमारे पास है कटर, ये लगभग 750 वाट का है गाइस, ये 600 वाट का। अब हम इन सारे चीज़ों को इस जनरेटर के साथ कनेक्ट करके टेस्ट करके देखेंगे कि यह लोड उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा, उसके बाद आइए देखते आगे। तो दोस्तों अब हम इस जनरेटर के साथ वायर को कनेक्ट कर देते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ये जनरेटर के साथ वायर कनेक्ट हो चुका है, और इस वायर के साथ यहाँ पे ये बोर्ड कनेक्ट है, और अब इस बोर्ड के साथ ही सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चेक करेंगे। पहले इस जनरेटर को ऑन कर लेते हैं। और गाइस आप देख सकते हैं ये जनरेटर ऑन हो गया, और यहाँ पे सामने आना जल्दी आना, ये हरे कलर का बल्ब जल चुका है यहाँ पे। अब इस बोर्ड में भी पावर आता होगा गाइस, हो सकता है आपको आवाज़ सुनाई ना दे अच्छे से, लेकिन अब चेक करते हैं इसको सबसे पहले। ये हमारे पास रहा कटर, इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं ऑन। तो गाइस जिस प्रकार से ये पहले से ऑन था ये तुरंत घूमने लगा, तो अब चेक करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसका RPM कितना ज़्यादा है इसके साथ चल रहा है, जब जनरेटर के साथ कनेक्ट होकर चल रहा है। और इसको टेस्ट करते हैं कुछ लोहा को काटने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये लोहा पूरा तरीके से कट चुका है, और जब इसको चला रहे थे तब ये बहुत ज़्यादा स्पीड से घूम रहा था, जिसके कारण से साउंड भी बहुत ज़्यादा दे रहा था, साइलेंसर से आवाज़ बहुत ज़्यादा निकल रहा था इसका। और गाइस आप देख सकते हैं कि ये पूरा तरीके से ऐसे कट चुका है। अब हम कुछ अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, जैसे हम इस अब हम इस ड्रिलर को यूज़ करेंगे ड्रिल करने के लिए। ये रहा हमारा कनेक्टर, इसके साथ ही सीधा सीधा हम वॉल ड्रिल करके देखते हैं गाइस, ये भी पूरा अच्छा तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ से ड्रिल करते हैं, 1 2 3। दोस्तों आप यहाँ पे देख लो कि ये पूरा अच्छा तरीके से यहाँ पे ड्रिल हो चुका है, मतलब कि जनरेटर का पावर बहुत अच्छा और पावर उठा रहा है। फिर से यहाँ पे सामने से दिखाना। तो दोस्तों हमने ड्रिलर ट्राई किया, ये कटर ट्राई किया, लेकिन अब आ रही है इस हैलोजन ट्यूब की। तो ये हैलोजन ट्यूब को हम जलाते हैं, देखते हैं जल पाता है कि नहीं ये, क्योंकि ये हैलोजन ट्यूब जो है वो है 1000 वाट की,
1000 वाट। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये हैलोजन ट्यूब पूरा अच्छा तरीके से चल रहा है, लेकिन जैसे ही चलता है वैसे ही वो जनरेटर का जो आवाज़ है गाइस वो बहुत ज़्यादा साउंड करने लगता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये हैलोजन ट्यूब बहुत अच्छा तरीके से जल रहा है, लेकिन उसका आवाज़ पहले आप उसका आवाज़ सुनो और ये देख सकते किस तरह से वाइब्रेट होकर ज़्यादा वाइब्रेट करके आगे आने लगा उसका, ये हो सकता है बंद हो जाएगा, लगता है गाइस ये बंद हो जाएगा लेकिन हो नहीं रहा और ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। बंद कर दिया। तो जैसे ही हमने इसे बंद किया वैसे ही वो आप देख सकते कि वो पूरा तरीके से हो चुका है। दोस्तों हमने एक हैलोजन के साथ ट्राई कर दिया, लेकिन अब हम दोनों को साथ में कनेक्ट करते उसके बाद हम जलाते 1 2 3 ये उठा ही नहीं पाया। और गाइस यहाँ पे देखते रेस्ट हो। तो गाइस इसका बहुत ज़्यादा डैमेज कंडीशन हो चुका है उस जनरेटर का, जो कि आप देख सकते हैं हल्का सा घुमाना होता है और लाइट भी बहुत कम दे रहा है, ब्लिंक कर रहा है लाइट पूरा तरीके से ब्लिंक कर रहा है क्योंकि वहाँ पर जनरेटर का हालत ख़राब हो चुका है। 2000 वाट साथ में नहीं उठा पा रहा है इसलिए ये जल भी नहीं रहा सही से और वहाँ पर जनरेटर भी काम नहीं कर रहा सही से। हम बंद करते पहले उसके बाद देखते। तो दोस्तों अब हम इसको एक निकाल देते उसके बाद देखते और एक हैलोजन बहुत अच्छा तरीके से जल रहा है गाइस जनरेटर के साथ। तो गाइस आखिरकार आपने देखा कि किस तरह से ये जनरेटर 2000 वाट का बल्ब हैलोजन ट्यूब को जला नहीं पाया सही से, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये इसमें 3 HP लिखा हुआ और ये मात्र 2000 वाट है। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ या कस्टमर के साथ धोखाधड़ी होता है, क्योंकि 3 HP का जो जनरेटर है और ये 2000 वाट ना उठा पाए, 2000 वाट का पावर ना उठा पाए, तो ये कहीं ना कहीं गलत है गाइस। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि 3 HP का जनरेटर क्या 2000 वाट उठा पाएगा, या फिर आपको समझ में आ गया होगा कि लेने के पहले एक बार जरूर से जरूर जांच कर ले, तब आप लेने में सक्सेसफुल रहेंगे और धोखाधड़ी का शिकार नहीं होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और सभी लोगों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में गाइस जनरेटर की बहुत बड़ी जानकारी थी आपके सामने वो भी लाइव। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।